Audio Jungle. Welcome back, students. I hope you are fit and fine and also staying at your home. One more thing, I'm uploading my all videos on my YouTube channel. You can also stream my videos from there. So let's start the day. So let's start with our first chapter, Network Operating System, Linux or Ubuntu. Linux या Ubuntu ये दोनों operating system जो हैं वो ज़्यादातर use किए जाते हैं as a server. Mostly जो companies हैं वो इसी operating system को use करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी भी तरह का एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कभी भी वायरस नहीं आता है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने ही सॉफ्टवेयर होते हैं और इसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं. इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है वो कुछ देखने में इस तरह का है. अब देखिए यहाँ पे जो इसके जो आइकन्स हैं वो एक एंड्रॉयड फोन की तरह ही दिखाई देते हैं. देखो इसका जो इंटरफेस है कुछ विंडोज की तरह ही है. काम करने का जो तरीका है वो विंडोज की तरह ही है लेकिन इसके जो ग्राफिकल फीचर्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी विंडोज से. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से. What is computer network? Computer network क्या है? इसके बारे में आप सब ने plus one में भी पढ़ा होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. Computer network is a group of two or more computers that are interlinked together through communication channels to share or exchange information among them. Computer network एक group है दो या दो से ज़्यादा computer का जो आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल किसी न किसी संचार के माध्यम द्वारा, या तो केबल्स के द्वारा या तो वायरलेस. टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग देम, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या आपस में एक्सचेंज करने के लिए. अब जो उसकी टाइप्स हैं वो आपने प्लस वन में पढ़ी भी है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है और पर्सनल एरिया नेटवर्क है. लोकल एरिया नेटवर्क ये आपको पता ही है, एक आईसीटी लैब के अंदर जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए थे वो एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जहाँ पे जो भी सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है वहाँ पे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जैसे चेन्नई है, चंडीगढ़ है, मुंबई है. उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क में एक स्टेट दूसरी स्टेट से जुड़ी होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी होती है. कहने का मतलब है कि पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है उसके सारे के सारे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है. लास्ट में आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क तो ये जो हम सिंपल मोबाइल फोन से एक दूसरे को ब्लूटूथ करते हैं या एक दूसरे के साथ शेयर इट करते हैं वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, या फिर वाईफाई का यूज करते हैं. तीन एलिमेंट्स हैं, सेंडर है, दूसरा मीडियम है और तीसरा रिसीवर. अब सेंडर कौन होता है? अ सेंडर इज दैट हु क्रिएट द मैसेज. सेंडर वो होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है, जैसे कि अ साउंड वेव
और वॉइस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि कोई साउंड वेव या कोई आवाज जिसे क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, या फिर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो साउंड वेव पैदा होती है। ठीक है, तो जो साउंड वेव को क्रिएट कर रहे हैं वो कौन होते हैं? सेंडर, या फिर उनको हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। दूसरे हैं मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम। अब माध्यम क्या है? विच कैरीज द मैसेज, माध्यम वो है जो मैसेज को कैरी करता है, यानी कि मैसेज को कैरी करने का क्या माध्यम है, जैसे कि हवा है। मैसेज अब ट्रांसफर होगा तो हवा के माध्यम से होगा, या फिर वायर्स के, या कुछ एक केसेस में पानी में भी ट्रांसफर होता है मैसेजेस, जैसे सबमरीन्स होती हैं समुंदर के अंदर चलती हैं, तो उस केस में जो ध्वनि तरंगें पास होती हैं, जो रेडियो वेव्स क्रॉसिंग होती है, तो वो पास होती हैं थ्रू वाटर्स। अब थर्ड है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज प्राप्त करता है। विच रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, सच एज ह्यूमन, जैसे हम लोग ही हैं, हम ही मैसेज क्रिएट करते हैं और रिसीव भी हम ही करते हैं, या फिर कोई मॉडम या कोई मशीन है या कोई डिवाइस है, जैसे मोबाइल फोन है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी मैसेज ट्रांसफर होता है तो मोबाइल फोन ही मैसेज भी क्रिएट कर रहा है, वो भी रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है? द वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर होस्ट्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एथरनेट केबल, हब, स्विच और राउटर, इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं होस्ट की। तो होस्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर मोबाइल फोन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो कुछ दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे हम एथरनेट केबल को लगाते हैं, जैसे हमने स्कूल में किया, जैसे कंप्यूटर के ऊपर हम नेट कनेक्ट तो करते भी हैं, केबल्स वगैरह लगाते हैं स्कूल में, तो वो ये वाला है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के साथ जो है वो एथरनेट केबल नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा एथरनेट केबल चाहिए। अब जो मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखाया हो उसमें यही एथरनेट केबल्स लगती हैं। अब इस कनेक्टर का नाम है RJ45, RJ45 है इस कनेक्टर का नाम। अब जो टेलीफोन लाइंस में यूज होता है वो RJ11 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर हमने कौन सा मॉडम यूज करना है, जैसे हब यूज कर सकते हैं, वायरलेस रूटर यूज करते हैं, या स्विच करते हैं, या वायर्ड रूटर यूज करते हैं। जैसे एक कमरे में अगर हमने 8-10 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हब से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर एक कमरे में रखे कंप्यूटर्स को किसी दूसरी जगह में, किसी रूम में रखे हुए कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना है तो हमें स्विच की जरूरत पड़ती है, और एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ भी कनेक्ट करना है तो स्विच या हमें राउटर की जरूरत पड़ती है, और वायरलेस राउटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि होस्ट जो होते हैं वो हमारी नेटवर्किंग में पहली रिक्वायरमेंट रहती है होस्ट की। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्किंग इज कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन द बोथ सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर दोनों साइड में क्या चाहिए? कंप्यूटर या लैपटॉप। ये नेटवर्किंग की पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज डिजाइन टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिजाइन ही कम्युनिकेशन के लिए किया हुआ है, ताकि हम नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स को जोड़ पाए या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ पाए। ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज इट्स ओन यूनिक आईडी। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जो उसकी चिप के ऊपर लिखी होती है, विच इज रिटन ऑन ए चिप। तीसरा है एथरनेट केबल। अब एथरनेट केबल्स कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस, सच एज जो एथरनेट केबल होती है हमारी जो नेटवर्क की डिवाइसेस होती है उनको कनेक्ट करती है, जैसे NIC है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मॉडम्स है, हब्स है, रूटर्स है और एडेप्टर्स है। फोर्थ है हब, स्विच और राउटर।
अब चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है हब स्विच एंड राउटर आर डिवाइसेस दैट कंट्रोल द डाटा ट्रैफिक एंड मेक द डाटा ट्रैवल इजी ओवर ए नेटवर्क। अब चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है हब स्विच या राउटर की। अब ये डिपेंड करता है कि नेटवर्क का हमारा कितना साइज है, उसके हिसाब से हम हब और स्विच और राउटर यूज करते हैं। छोटा सा ही नेटवर्क बनाना है तो हब से काम चल जाएगा, थोड़ा उससे बड़ा बनाना है ठीक है, एक जगह के कंप्यूटर्स को दूसरी जगह के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो स्विच से काम चल जाएगा, और राउटर एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करना है या एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट करना है तो राउटर से काम चलेगा। अब इनका काम होता है डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करना और डाटा ट्रैवल को ईजी बनाना नेटवर्क के ऊपर। अब फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इंटरनेट कनेक्शन की है। अगर हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए यानी कि लैन मैन बैन पैन के साथ जोड़ा जाए तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क नीड्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, जिसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डायलअप है या फिर ब्रॉडबैंड है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस है यानी कि वाईमैक्स है, ISDN है, 3G 4G, किसी भी तरह का ये जो दिए हुए हैं नेटवर्क के ज़रिए हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में हमने साइट प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है। ईच कंप्यूटर और मशीन, हर एक कंप्यूटर और मशीन जैसे कि लैपटॉप टैब्स एंड्रॉयड फोन विंडोज फोन ऑन द इंटरनेट हैज इट्स ओन यूनिक नंबर विच इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर या मशीन या लाइफ जैसे कि लैपटॉप है टैब है एंड्रॉयड फोन है विंडो फोन है, इंटरनेट के ऊपर इनका एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। विदाउट एन आईपी एड्रेस वी कैन नॉट मेक कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस, बिना आईपी एड्रेस के हम किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ऑन द इंटरनेट टू कंप्यूटर्स कैन नॉट हैव द सेम आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट के ऊपर कभी भी दो कंप्यूटर या दो मोबाइल फोन का जो आईपी एड्रेस है कभी भी सेम नहीं होता है। एन आई पी एड्रेस इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, आई पी एड्रेस एक न्यूमेरिक वैल्यू है दैट कंसिस्ट 32-bit इंफॉर्मेशन, जिसमें 32-bit इंफॉर्मेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट, जिसे हम ऑक्टेट भी बोलते हैं या फिर बाइट भी बोलते हैं। दीज 32 bits आर डिवाइडेड इंटू 4 parts। अब यही जो 32 bits हैं वो 4 parts में डिवाइड होते हैं एंड ईच पार्ट कंटेन 8 bits, और हर एक पार्ट जो है वो 8-bit कंटेन करता है। IPv4 यूजेस 32-bit एड्रेसेस। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो 32-bit एड्रेसेस को यूज करता है। अब नीचे यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो देखो ये जो आईपी एड्रेस है वो 4 parts में है, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, और हर एक पार्ट में जो है वो 8-8 bit है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से 8-8 bit का है, और ये टोटल पार्ट जो है वो 4 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो बाइनरी दी हुई है इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है जैसे 172.16.30.56, जैसे ये जो नीचे दिया हुआ है बाइनरी नंबर, ये जो पार्ट है इसका ये 172, इसी की कैलकुलेशन है, और इसकी कैलकुलेशन 16 है, इसकी कैलकुलेशन 30 है, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो 56 है। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करता है नेटवर्क के ऊपर, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक चीज़ भी देख लेते हैं कि अगर हमने अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस देना देखना हो इंटरनेट के ऊपर तो हम ऐसे देख सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र में अगर हम वहाँ पे लिखेंगे कि माई आईपी एड्रेस, तो हमारा जो भी डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस इस तरह से दिखाई देता है। जैसे हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे नेट ऑन करते हैं तो उसको एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो इसी नंबर से हमें ट्रेस किया जाता है, इसी आईपी एड्रेस से कि कौन यूज़ कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस आईपी एड्रेस की किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो ऊपर एक डॉटेड डेसिमल दिया हुआ है, जैसे 172 है, 16 है, 30 है, 56 है, तो नीचे जो बाइनरी दी हुई है, अब ये बाइनरी किस तरह से कैलकुलेट होती है, जैसे 172.16.30.56 है, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे नीचे दिया हुआ ये किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। अब कंप्यूटर इसको इस तरह से लेके चलता है, जैसे ये जो फर्स्ट वाली जो जीरो है
राइट साइड से इसे 2 0 मान के चलते हैं, इसको 2 की 2 1, इसको 2 की 2, फिर 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6 और 2 की 7, जो 0 0 वाले पार्ट्स होते हैं उसको कंप्यूटर इस तरह से कट कर देता है और बाकियों को वो कैलकुलेट कर लेता है। जैसे अब यहाँ पे 2 बचा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 को यहाँ पे ये 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 को यहाँ पे ये 7 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से ये इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ये आ रही है, इसकी ये आ रही है, इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ रही है और इसकी ये आ रही है। तो इस तरह से ये 128 प्लस 32 84, तो ये 172 कैलकुलेट हुआ इस तरह से, ठीक है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन दी क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब आईपी एड्रेसेस की भी अपनी ही क्लासेस है, इसको भी क्लासिफाइड किया हुआ है। आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द होस्ट ओवर ए नेटवर्क। अब आईपी एड्रेसेस का जो यूज किया जाता है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अ होस्ट आइडेंटिफाइड बाय ये होस्ट आईडी। अब ये जो होस्ट होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है होस्ट आईडी से, एंड नेटवर्क आइडेंटिफाइड बाय ये नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है एक नेटवर्क आईडी से ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। IPv4 यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 क्लासेस। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो जो कॉन्सेप्ट यूज करता है वो 5 क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जैसे ए बी सी डी एंड ई, ये 5 क्लासेस है नेटवर्क की। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है जैसे 127 है, जिसे हम ऑक्टेट भी बोलते हैं क्योंकि ये 8 बिट का है, इसलिए इसे हम ऑक्टेट बोलते हैं, जैसे ऑक्टल, ठीक है। 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑक्टल बोलते हैं। अब जो फर्स्ट जो ऑक्टेट है जैसे 127 है, इसको हम नेटवर्क आईडी लेके चलते हैं, सेकंड ऑक्टेट 255 और होस्ट आईडी, थर्ड ऑक्टेट ये 255 और फोर्थ ये हमारी होस्ट आईडी रहती है, ये नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी। अब चलिए देखते हैं कि आईपी एड्रेसेस की क्लासेस किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले क्लास ए नेटवर्क है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस की पहली जो क्लास है वो क्लास ए है। इन दिस क्लास द फर्स्ट बिट बीइंग ऑफ 0, इफ वी टर्न्ड ऑन 1 द अदर 7 बिट्स देन वी विल गेट द ए क्लास नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में फर्स्ट बिट जो है वो ऑफ रहता है, 0 स्टैंड फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड फॉर ऑन, फर्स्ट बिट ऑफ रहता है और बाकी के सारे जो बिट्स हैं वो ऑन रहते हैं, और जो भी कैलकुलेशन बनती है वो आपको मैंने बता ही दिया 127। क्लास बी नेटवर्क में, इन क्लास बी नेटवर्क द फर्स्ट बिट मस्ट बी टर्न्ड ऑन, पहला बिट ऑन होता है एंड द अदर 7 बिट्स आर टर्न्ड ऑफ, और बाकी जो भी लास्ट वाले जो 7 बिट्स होते हैं, जैसे ये हैं 7 बिट्स, वो ऑफ 0। इफ बी टर्न्ड ऑफ 0 द अदर 6 बिट देन वी विल गेट द बी क्लास नेटवर्क। कुल मिला के क्लास बी नेटवर्क में फर्स्ट बिट जो है वो ऑन होता है और बाकी जो 7 बिट्स हैं वो ऑफ रहते हैं। अब जो कैलकुलेशन है वो मैंने बता ही दी है कि किस तरह से कंप्यूटर इसकी कैलकुलेशन करता है। अब बात करते हैं नेटवर्क क्लास ई नेटवर्क की, सॉरी क्लास सी नेटवर्क की। अब क्लास सी नेटवर्क में, इन ए क्लास सी नेटवर्क द फर्स्ट 2 बिट्स आर ऑलवेज टर्न्ड ऑन। क्लास सी नेटवर्क में पहले जो 2 बिट होते हैं वो ऑन होते हैं, बट द थर्ड बिट इज ऑलवेज टर्न्ड ऑफ, और पर हमेशा जो 3rd बिट होता है वो ऑफ होता है, एंड अदर 5 बिट्स आर टर्न्ड ऑन, और बाकी जो भी लास्ट वाले जो 5 बिट्स होते हैं वो ऑन होते हैं। पहले 2 बिट्स जो हैं वो ऑन है, तीसरा बिट ऑफ है, बाकी जो 5 बिट्स हैं वो टर्न्ड ऑन है। अब क्लास डी नेटवर्क, इन क्लास डी नेटवर्क द फर्स्ट 3 बिट्स आर ऑलवेज टर्न्ड ऑन। अब क्लास डी नेटवर्क में जो पहले 3 जो बिट हैं वो टर्न्ड ऑन रहते हैं, बट द 4th बिट इज ऑलवेज टर्न्ड ऑफ, पर जो 4th बिट है वो हमेशा टर्न्ड ऑफ होता है, एंड अदर 4 बिट्स आर टर्न्ड ऑन, और जो लास्ट बचे हुए जो 4 बिट्स होते हैं वो टर्न्ड ऑन रहते हैं। अब लास्ट क्लास आती है क्लास ई नेटवर्क। इन क्लास
इन ए क्लास ई नेटवर्क ऑल 8 बिट्स आर टर्न ऑन। अब क्लास ई नेटवर्क में जो भी लास्ट के 8 बिट होते हैं वो सारे के होते हैं टर्न ऑन होते हैं। तो इस तरह की नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, क्लास ई नेटवर्क। तो ये थी नेटवर्क की क्लासिफिकेशन, नेटवर्क की क्लासेस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज TCP/IP, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। अब प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स लाइक ए सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स हियर जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर विच मेक्स द डाटा ट्रेवल इजी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन अक्रॉस नेटवर्क। अब प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, ये भी डाटा ट्रेवल को ईजी बनाता है एक मशीन से दूसरी मशीन तक अक्रॉस द नेटवर्क। अब टीसीपी का क्या काम होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या काम करती है, इट ब्रेक डाटा इनटू स्मॉल पैकेट। ये पहले क्या करती है, डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देती है। इट वेरीफाइज ऑल द पैकेट्स फ्रॉम बोथ डेस्टिनेशन। उसके बाद ये जो भी पैकेट्स जहाँ पैकेट्स हमने भेजने होते हैं दोनों तरफ से उसको वेरीफाई करती है, भेजने वाले की तरफ से भी और रिसीव करने वाली तरफ से, यानी कि क्लाइंट साइड से भी और सर्वर साइड से भी। तीसरा इसका काम रहता है रीअसेंबल द डाटा। उसके बाद ये जो डाटा जिसको ब्रेक करती है उसको ये रीअसेंबल भी करती है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इनवेल्प्स एंड एड्रेस पैकेट्स बाय गिविंग सीरियल नंबर्स। अब इसका क्या काम होता है, ये इनवेल्प करती है और एड्रेस करती है जो भी पैकेट, यानी कि TCP जो पैकेट्स में डिवाइड करती है इसको छोटे छोटे पैकेट में बांटती है, उन पैकेट्स को क्या करती है, ये एक सीरियल नंबर दे देती है जैसे 1, 2, 3, 4। आफ्टर दैट इनेबल द नेटवर्क। उसके बाद ये नेटवर्क को इनेबल करती है टू रीड द इनवेल्प, कि ये इनवेल्प को रीड करे एंड फॉरवर्ड द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, और उसके बाद जहाँ पे डाटा को भेजना है उस डेस्टिनेशन में भेज दे। इट ऑल्सो एनश्योर हाउ मच डाटा पैकेट विल कंटेन। इसके बाद ये भी इंश्योर करती है, ये भी सुनिश्चित करती है कि एक पैकेट के अंदर कितना डाटा आएगा। ये तो आप सबको पता ही है, जब भी हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो जो भी डाटा है वो सारा का सारा पैकेट्स में ही हमें डाउनलोड होता है या अपलोड होता है। जैसे जो डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, या तो MB में डाउनलोड होगा, यानी कि 1 GB की फाइल इकट्ठी तो नहीं डाउनलोड हो जाएगी, जैसे 5-5 या 3-3 MB करके ही डाउनलोड होगी। तो ये सारा का सारा जो डाटा को तोड़ने का काम और डाटा को जोड़ने का काम TCP/IP करती है। TCP/IP की खोज की थी विंट कार्प ने, इसलिए उनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 तक ही हमारे जो है काफी है, इतना जितना हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑडियो जंगल, ऑडियो जंगल।